इस डिजाइन को देखिए, मैं आपको बताती हूँ ये डिजाइन किस तरह से बनी है। इसमें मैंने 30 फंदे डाले हैं और ये डिजाइन दो सलाइयों में बनी है। पहली सलाई सीधी तरफ, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, दो फंदे एक साथ आगे से सीधे बुने, फिर एक फंदा सीधा बुना, दोनों फंदे एक साथ निकाल दिए, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, दो फंदे एक साथ आगे से सीधे बुने, उसके बाद आगे वाला एक फंदा दोबारा से सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, दो फंदे एक साथ आगे से सीधे बुने, फिर एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा सीधा बुना, ऊन पीछे की, दो फंदे एक साथ आगे से सीधे बुने, एक फंदा दोबारा से सीधा बुना, आगे वाला फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की। इसी तरह पूरी सिलाई बुनेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे, दो फंदे एक साथ सीधे बुनेंगे, फिर आगे वाला फंदा दोबारा से एक बार और सीधा बुनेंगे। आखिरी में दो फंदे एक साथ सीधे बुने, एक फंदा आगे वाला दोबारा से फिर सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, एक फंदा सीधा बुना। दूसरी सिलाई उल्टी तरफ, एक फंदा उल्टा बुना, ऊन पीछे की, दो फंदे सीधे बुने, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, दो फंदे सीधे बुने, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, दो फंदे सीधे बुने, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, दो फंदे सीधे बुने, एक फंदा बिना बुना उतार लिया। इसी तरह पूरी सिलाई बुनेंगे, दो फंदे सीधे बुनेंगे, एक फंदा बिना बुना उतारेंगे, आखिरी में दो फंदे सीधे बुने, एक फंदा बिना बुना उतार लिया, एक फंदा सीधा बुना, ऊन आगे की, एक फंदा उल्टा बुना। देखिए इस तरह डिजाइन आई है। इन्हीं दो सलाइयों को दोहराते हुए ऊपर डिजाइन डालें।